हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का MZ एजुकेशन में। दोस्तों 22 जुलाई आज की डेट है और आज बात करेंगे हम लोग 22 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बात करेंगे हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं भूल ना जाओ, आप लोग कर ले देंगे क्विकली रिवीजन। 20 जुलाई को दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। रानिल विक्रम सिंधे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और राजस्थान सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कर दी हुई है। वैसे राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भी पहला राज्य है। दिल्ली दोस्तों हैप्पीनेस अपना शुरू किया हुआ है वहां के सरकारी स्कूलों में। विनीत सरन को BCCI के एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य के रूप में ईरान ने अर्जी डाल दी है, ईरान शामिल हो सकता है 9वें सदस्य देश के रूप में। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने जीत लिया है गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। वहीं प्रमोद राव को दोस्तों सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और बेन स्टोक, लिंडल सिमन, दिनेश रामदेन, ये तीन दिग्गज क्रिकेटर ने संन्यास से घोषणा कर दी है। तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल के दिन की वीडियो से, जिसका आपने रिवीजन किया क्विकली बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत को मिला है दोस्तों 15वां राष्ट्रपति। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये भारत की 15वीं और भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, इसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बाद दूसरी महिला ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और आदिवासी समुदाय से दोस्तों आने वाली ये इकलौती, दलित समाज से आने वाली इकलौती महिला प्रेसिडेंट है ये द्रौपदी मुर्मू जी। ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और उड़ीसा की ये रहने वाली हैं, उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता थी। तो इनको अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ये प्रेसिडेंट की चुनाव को जीत चुकी हैं। इनके विपक्ष में थे कौन, यशवंत सिन्हा जी, याद रखना है इनके विपक्ष में यशवंत सिन्हा खड़े थे और उनको इन्होंने हरा दिया है। अब ये बन गई हैं 15वीं राष्ट्रपति। लेकिन अभी कब से इनका कार्यकाल शुरू होगा, कार्यकाल इनका 25 जुलाई से शुरू होगा। जब तक कोई भी पद क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति का, चाहे प्रधानमंत्री का, चाहे चीफ जस्टिस का, किसी का भी क्यों ना हो, जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उसका कार्यकाल नहीं शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा घुमाने के लिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और नीचे ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा चुने जाने के, चुनाव होने के बाद अगले 5 वर्ष तक, इसके अलावा दे दिया जाएगा शपथ ग्रहण से अगले 5 वर्ष तक, या फिर चुनाव जीतने के बाद अगले 6 वर्ष तक, या कुछ भी मतलब दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है शपथ ग्रहण करने के बाद से अगले 5 वर्ष तक ही कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का, यानी इनका कार्यकाल 25 जुलाई से शुरू होगा। कारण यह है, अभी 21 जुलाई को तो चुनाव हुआ है, जीत घोषित हो गई है इनकी, लेकिन अभी रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई तक है। तो 24 जुलाई तक अभी रामनाथ कोविंद जी रहेंगे प्रेसिडेंट और 25 जुलाई से प्रेसिडेंट बन जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। ये एक प्रकार से बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने वाली है, कोई आदिवासी महिला लीडर ये प्रेसिडेंट बन रही है भारत की, तो ये बहुत ही प्राउड की बात है हमारे इंडिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है। तो टॉप पर दोस्तों एलन मस्क है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिला है वो है गौतम अडानी का। गौतम अडानी दोस्तों ये दुनिया के 4थे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। ये भी इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि टॉप 5 में इंडिया का कोई व्यक्ति आ गया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 4था सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पीछे कर दिया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने बिल गेट्स को पीछे किया, यहां पर आप देखिए रियलिटी कुछ और है। एक्चुअली में बिल गेट्स ही पीछे हो गए। बिल गेट्स ने अपना जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसमें अभी रिसेंटली $20 बिलियन दोस्तों डोनेट कर दिया है, और $20 बिलियन का अंतर था और वो $20 बिलियन ये डोनेट कर दिए वहां पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में। इस वजह से ये पहुंच गए 5वें नंबर पर और गौतम अडानी पहुंच गए 4थे नंबर पर। फोर्ब्स की जो रियल लिस्ट है यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर आप देख पाओगे एलन मस्क $253 बिलियन के साथ टॉप पर बने हुए हैं।
और चेंज होता रहता है, मतलब कि लोग 17 बिलियन देखिए 17 बिलियन का चेंजेस आया, ये पर डे इतना चेंजेस है। बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली $156 बिलियन, देखिए लगभग $100 बिलियन का अंतर है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। एलन मस्क ऐसे मत जानो कि आधार कार्ड वाली फोटो लगी है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सेकंड पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली हैं, ये LVMH के हैं, फ्रांस के हैं। जेफ बेजोस अमेजन के हैं, आप सबको पता है अमेजन के ये फाउंडर हैं और $150 बिलियन के नेटवर्क के साथ ये तीसरे स्थान पर है। और चौथे पर गौतम अडानी पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ है 116.3 बिलियन डॉलर, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी सेम चीजें वही चीजें दी गई है, बस आपको संपत्ति में अंतर दिखेगा क्योंकि मैंने जैसे बताया पर डे चेंजेस होते रहते हैं, 1 बिलियन 2 बिलियन 10 बिलियन का घाटा मुनाफा होता रहता है। तो फिलहाल अगला देखते हैं, हाल ही में सभी VLTD वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब VLTD और ERSS क्या है इसको पहले समझो। VLTD का मतलब होता है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। सभी VLTD का मतलब जितनी भी उस राज्य में दोस्तों व्हीकल्स होंगी, वाहन होंगी, उसमें व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होगी। इसके अलावा ERSS का मतलब क्या, ERSS मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जितनी भी वहां पर व्हीकल्स होंगी वहां पर इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम होगा। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, हिमाचल प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद VLTD विद ERSS। VLTD अगेन वही व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसको ERSS के साथ ही साथ जोड़ दिया गया है हिमाचल प्रदेश के सभी वाहनों में, यानी कोई भी वाहन हो वो अब देश के कहीं पर भी रहे देश में उनको ट्रैक किया जा सकेगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू, और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जा पाएगा वहां पर। तो ऐसे 9,423 से ज्यादा वाहनों को पंजीकृत कर दिया गया है, रजिस्टर्ड कर दिया गया है ERSS से। अब पुलिस और परिवहन विभाग दोनों के लिए आसानी हो जाएगी निगरानी रखने में और ट्रैकिंग करने में, ठीक है। तो अभी इसका शुभारंभ जयराम ठाकुर जी ने किया है जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश आया है तो आप यहाँ पर देख पाओगे हिमाचल प्रदेश इंडिया के मैप में, ये रहा हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल, समर कैपिटल है शिमला। जयराम ठाकुर जी CM है यहाँ के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है और अमजद ए सैयद यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ये दोस्तों दो प्रमुख नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। पराशर झील, रेणुका झील, खजियर झील, इसके अलावा चंद्रताल, सूरजताल, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। कोलिछो दर्रा, कुलगुती दर्रा, इसके अलावा और कौन दर्रा मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है, रोहतांग, बड़ा लचा और सिपकिला, ये तीन तो प्रमुख है सिपकिला, ठीक है, ये तीन प्रमुख दर्रे हैं यहाँ के। लोक नृत्य की बात करेंगे तो नाटी, कठघड़ी, गुड़गुटी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। फिलहाल हम लोग हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ जान लिया है, आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत अब आ गया है दोस्तों 87वें स्थान पर। आप इस रिपोर्ट को देख करके चौंकिए मत, हर तीसरे महीने में ये जारी होता है, तो ये तिमाही रिपोर्ट है, इस वजह से चेंजेस आपको देखने को मिलते रहते हैं हमेशा। तो ये तिमाही जारी होता है, तिमाही पर यानी कि हर तीसरे महीने जारी होता है। अभी पिछला वाला जो था इसमें भारत की 83वीं रैंक थी, उससे पहले जो था भारत की 90वीं रैंक थी, तो 90 रैंक से पहुंचा 83 से अब पहुंच गया फिर से 87वीं रैंक पर इंडिया। टॉप पर जापान बना ही हुआ है, टॉप पर जापान पहले भी था, अभी भी है और उससे भी पहले था। सिंगापुर सेकंड, दक्षिण कोरिया थर्ड, ये टॉप थ्री है। यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ टॉप 10 की। जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ये सभी जो है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट हैं, टॉप 10 कंट्रीज हैं जो अभी रिसेंटली जारी हुआ है रिपोर्ट उसमें। भारत जो है इसको 60 देशों का वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त है। यहाँ पर ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है ना पासपोर्ट इंडेक्स, एक्चुअली में इसी को देख करके जारी किया जाता है कि कौन से देश के पास कितना ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस है। यानी जैसे आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आपको कितने देशों में जाने के लिए वीजा भी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीजा आप जानते हो ना कि वीजा जो होता है वो उस देश में एंट्री के लिए एक प्रकार से पास होता है,
तो आपके पास पासपोर्ट तो है, ठीक है, हवाई यात्रा कर सकते हो, जा सकते हो, लेकिन आपको कितने देशों में जाने के लिए वीजा बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये डिसाइड करता है पासपोर्ट इंडेक्स। ये मतलब यही इसे ये पता लगता है, ये पासपोर्ट इंडेक्स इसी बेसिस पर लेकर के जारी करता है। तो इससे ये पता लगता है आपका पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर इंडिया जो है 60 देशों में, इंडिया का पासपोर्ट जाने के लिए 60 देशों के लिए वीजा नहीं मांगता है। क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आया आपको। वहीं ब्रिटेन जैसे 187 देशों में जा सकते हैं ब्रिटेन के पासपोर्ट से, अमेरिका के पासपोर्ट से 186 देशों में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हर हर महादेव ऑफर चल रहा है दोस्तों, और इसके तहत आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और अब ये ऑफर एंड होने को है, ये इसी सैटरडे को एंड हो जाएगा ऑफर। ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच हो या फिर आप यूपी ट्रिपल सी पीटी का बैच हो, इन दोनों बैच को ले सकते हैं बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस पर। अभी के लिए अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड महादेव महादेव तो आपको मिल जाएगा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके बाद भी, तो आप इसको यूज करके ले सकते हो अभी के टाइम पर। इसमें आपको त्रिनेत्र बैच में, ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच में जीएस कंप्लीट कराया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा और करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। तो इन सब को आप टॉपिक बाय टॉपिक पा सकते हो, क्लासेस लगातार चल रहे हैं, आप जाकर के उसे मतलब ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, और बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, डिटेल पीडीएफ दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, लास्ट में आपका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, और प्रीवियस ईयर सेट भी तो सॉल्व कराया ही जा चुका है। तो आप बहुत ही शानदार बैच है, इसको ले सकते हो। ये आपको मिलेगा एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। ई बुक्स पर भी डिस्काउंट अभी के लिए अवेलेबल है, तो ई बुक्स पर भी आप डिस्काउंट का ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक और जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, ग्रुप डी का महामॉक टेस्ट लाइव होने वाला है बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब पे आपको कराया जाएगा ये लाइव मॉक टेस्ट। YouTube पर लाइव क्लास के माध्यम से ये 90 मिनट का होगा, बहुत ही अलग तरीके का होगा, मतलब अभी तक आपने ऐसा मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया होगा। इसमें क्या होगा, 4 टीचर्स मिल करके आपका मॉक टेस्ट सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, सेम टू सेम एग्जाम में हॉल जैसा आपका माहौल रहेगा। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, 100 तक की अपनी काउंटिंग लगा देनी है रफ पे, और यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम उतने ही समय में, जिस क्वेश्चन पर जितना समय डिसाइड रहेगा उतने ही समय में एक टीचर आएगा, उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो आएगा वो उसको बताएगा, उसके बाद तुरंत हट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैथ का आ गया बीच में, तो मैथ वाला टीचर आएगा उसको पढ़ाएगा, उसके बाद हट जाएगा। साइंस का क्वेश्चन आ गया बीच में, मतलब मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे, टीचर्स बदलते रहेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आपको आंसर सॉल्व करना है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बिल्कुल जैसे ग्रुप डी एग्जाम में आपके आने वाला है वैसे ही होगा। कब होगा ये सैटरडे की नाइट को होगा, 8 बजे रात से लेकर के 10 बजे रात तक के बीच में। तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, शानदार जबरदस्त प्रश्न भी आने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट तैयार करवाया जा रहा है, और ये जबरदस्त मॉक टेस्ट होने वाला है। आप तुरंत ही अपना स्कोर भी जान पाओगे कि कितना आपका स्कोर हुआ। YouTube पर होगा, लाइव क्लासेस के माध्यम से होगा, तो आप इसे प्राप्त कर पाओगे। हाल ही में किस बैंक द्वारा WhatsApp बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो दोस्तों अभी हाल ही में SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने WhatsApp बैंकिंग सेवा शुरू कर दी है फाइनली, काफी दिनों के बाद, मतलब कि बहुत लेट हो गए हैं, बाकी बैंक तो बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। फिलहाल SBI ने भी WhatsApp बैंकिंग सेवा शुरू कर दिया है। इसके थ्रू क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे SBI के, वो अपना बैंकिंग स्टेटमेंट हुआ, अकाउंट स्टेटमेंट हुआ, या फिर कितना क्या क्या स्थिति है, क्या ट्रांजैक्शन है, कितना लोन है, कितना बकाया है, या फिर बैंकिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। उनको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर, और उनको अगर रजिस्टर्ड मोबाइल है तो फिर इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। तो दिनेश खारा जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं SBI के, इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात अगर करें तो 1955 में 1 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और 1 जुलाई को 1955 को इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। भारत की सबसे बड़ी ये बैंक है, और सरकारी बैंकों में अगर बात करें तो वैसे तो HDFC बैंक सबसे बड़ी बैंक है, लेकिन सरकारी बैंकों में ये बैंक सबसे बड़ी है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत ने ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में कितना पदक जीता। तो देखिए अभी एक और शूटिंग विश्व कप हुआ ISSF का, मैंने आपको बताया है कई बार कि ISSF एक ऐसा वर्ल्ड कप होता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप, एक ऐसा वर्ल्ड कप होता है जो साल भर में ही 4 से 5 बार आयोजित हो जाता है।
यहां पर भारत ने दोस्तों 15 मेडल जीत लिए हैं और भारत अगेन टॉप पर आया हुआ है। पिछला वाला जो हुआ था उसमें भी भारत ही टॉप किया था, यहां पर भी भारत ने फिर से टॉप कर दिया है। तो इंडिया फिनिश ऑन टॉप एंड इन येट अनोदर आईएसएस शूटिंग वर्ल्ड कप। भारत ने 15 मेडल टोटल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड शामिल है, 6 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ये वाला आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप हुआ था दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। आईएसएसएफ मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, स्थापना 1907 में हुई थी, म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और व्लादिमीर लेसिन जो है इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। अगला है, निम्न में से किसने हाल ही में राज्यसभा के सदस्यता का शपथ लिया। तो दोस्तों राज्यसभा की सदस्य बन गई है पीटी उषा। अभी आपको पता हो केंद्र सरकार ने 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया हुआ था। राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 4 सदस्यों को अभी मनोनीत किया गया था। इन 4 सदस्यों में एक थी पीटी उषा, दूसरे थे दोस्तों इलैया राजा, ठीक है ना। इलैया राजा आपको पता होगा कौन है, इलैया राजा जो है ये संगीत उस्ताद हैं। इसके अलावा वीरेंद्र हेगड़े थे। इसके अलावा जो चौथे थे वो है के वी विजयेंद्र प्रसाद, ये चौथे थे। तो इन 4 लोगों को दोस्तों नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। तो इसमें पीटी उषा ने शपथ ले लिया है। ध्यान रखिएगा इलैया राजा जो है ये संगीत से संबंधित हैं और केवी विजयेंद्र प्रसाद जो है ये पटकथा लेखक हैं और वहीं स्पोर्ट आइकन है पीटी उषा और वीरेंद्र हेगड़े जो है ये आध्यात्मिक नेता हैं। तो कला साहित्य और इन सबसे रिलेटेड जो होते हैं दोस्तों इनको इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 245 टोटल सदस्य होते हैं जिसमें 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्लियर है। यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित लिखा गया है, इसको मनोनीत कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग तरीकों से चुन करके आते हैं। पीटी उषा जो है ये इनका ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 1984 के ओलंपिक में, इन्होंने 4th स्थान हासिल किया था, हालांकि कोई मेडल नहीं जीत पाई थी लेकिन 4th स्थान पर थी ये। तो एम वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में इनको शपथ दिलाई। एम वेंकैया नायडू ही क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है राज्यसभा का सभापति। अगला, भारत सरकार ने कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। तो भारत सरकार ने दोस्तों अभी तक 272 जिलों में नशा मुक्त अभियान शुरू कर दिया है। ये एक रिपोर्ट आया है, एक डाटा आया है अभी रिसेंटली, इसमें बताया गया है कि भारत सरकार 2020 से लेकर के अभी तक से, अगस्त 2020 से लेकर के अब अगस्त 2022 आने वाला है, इसके बीच में 272 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में नशा मुक्त भारत अभियान अपना शुरू कर चुका है। ये रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में रिलीज करी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और राज्य मंत्री हैं ए नारायण स्वामी जी, इससे रिलेटेड मंत्रालय के मंत्री हुई है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में दोस्तों टॉप पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट ये स्मार्ट सिटी फंड का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया है। स्मार्ट सिटी फंड बोले तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट शहर योजना के तहत फंड दिए गए सभी राज्यों को। अब उन राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा फंड यूज किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा फंड यूज किया यानी उसके लिए कार्य भी करवाए, यानी उसका खर्च किया गया। जो पैसा आया उसको रख लिए तो वो काउंट नहीं होगा, जो पैसा आया उसको खर्च करके दिखाया, यहां पर ये बात हो रही है। तो ऐसे में तमिलनाडु जो है ये टॉप पर है केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी फंड का, जो धन आया था उसको खर्च करने के मामले में। केंद्र सरकार से इसको मिला था 4,333 करोड़ रुपए, इसमें से इसने 3,932 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर दिए हैं। सेकंड पर रहा उत्तर प्रदेश, इसको मिला था 3,142 करोड़ रुपए और इसमें से 2,699 करोड़ रुपए ये उपयोग कर चुका है। तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फर्स्ट पर है तमिलनाडु, क्लियर है। तमिलनाडु को अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहां पर है तमिलनाडु, अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरला से करता है शेयर। चेन्नई इसकी है राजधानी, एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहां के करंट टाइम पर सीएम है। इनकी अभी हाल ही में आत्मकथा आई थी उंगलिल ओरुवन, ठीक है ना। तो उंगलिल ओरुवन नाम की इनकी आत्मकथा आई थी, याद रखेंगे आप। आर एन रवि यहाँ के हैं गवर्नर, एम दुरई स्वामी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला देखते हैं,
हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? मॉर्गन स्टैनली ने दोस्तों 7.2% का इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन किया हुआ है। इन्होंने बताया है कि अब जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की इस बार के फाइनेंशियल ईयर में होने वाली है 7.2%। ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये भी स्ट्रेस में है। वहीं इन्होंने सीपीआई के बारे में भी प्रिडिक्शन किया है। सीपीआई बोले तो दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, इन्होंने बताया है कि एवरेज मुद्रास्फीति रहने वाली है 6.5%। 7% इससे पहले हुआ करता था, लेकिन अगले टाइम पर 5.3% का सीपीआई हो सकता है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, नए वित्तीय वर्ष में देखना होगा। अगर 5.3 पर पहुंच जाता है, आरबीआई पहुंचा ले जाता है सीपीआई भारत में, तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। फिलहाल 7.2% का इसने अनुमान लगाया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्रिसिल की रिपोर्ट बताई थी। क्रिसिल ने बताया था दोस्तों अब 7.3% रहने वाली है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। अगला, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो दोस्तों चीता एक बार फिर से भारत में आएगा, नामीबिया में, नामीबिया के साथ समझौता किया है भारत सरकार ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया एंड नामीबिया साइन MOU टू ब्रिंग चीताज टू इंडिया 70 ईयर आफ्टर दे वेंट एग्जिंट। देखो भारत में ना 70 साल पहले चीता लास्ट वाला दिखा था। कहाँ पर दिखा था? छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था 1952 में, आखिरी बार जीवित चीता दिखाई दिया था। उसके बाद भारत में चीता दिखाई ही नहीं दिया, यानी है ही नहीं भारत के पास। तो सबसे पहले दोस्तों कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को लाया जाएगा, वो भी 15 अगस्त से पहले पहले। लेकिन इसके बाद और भी चीते लाए जाएंगे भारत में। कहां से लाए जा रहे हैं? ये नामीबिया से लाए जाएंगे। 69 सालों के बाद भारत चीता देखेगा, ठीक है ना। नामीबिया के बारे में बात करें तो विंडोक यहाँ की राजधानी है। नामीबियन डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है हेग गेन गोब। क्लियर है ना बिल्कुल। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 क्वेश्चंस। आज 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, याद किया, रिवीजन किया, समझा। इसका रिवीजन भी आपको पीडीएफ के माध्यम से, क्विजेस के माध्यम से कर लेना है, जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाए अच्छे से। बात करेंगे लास्ट के क्वेश्चंस की। कौन सा शहर हुगली नदी किनारे बसा है? तो कोलकाता बसा है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल के साथ आंसर किया था, लेकिन जो टॉप 10 रहे हैं कमेंटेटर ऑफ द डे, उनके नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे टॉप पर है श्वेता यादव, विधि प्रजापति, स्वर्णेश्वर कुमार, सेतु गुलशन, प्रकाश प्रभाकर, महेंद्र हेम्ब्रोम, प्रवीण त्रिपाठी, दिव्या एंजल, राजनी बिश्नोई, राहुल कुमार। ये टॉप 10 थे जिन्होंने सबसे तेज और डिटेल के साथ आंसर किया। आप लोग भी ऐसे ही डिटेल के साथ आंसर किया करो। आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश को मोतियों का देश कहा जाता है? निम्न में से कौन सा महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। और विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट दोस्तों। इसकी क्विज पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर, जाइए फटाफट से सॉल्व कीजिए। टेलीग्राम पर वन लाइनर पा सकते हैं, क्विकली रिविजन कर सकते हैं, 1 मिनट में करंट अफेयर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।